हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास थर्ड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। लेसन नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम था चीनू एंड चैंग। बच्चे, ये बेसिकली दो फ्रेंड्स की कहानी थी जो माउस थे, चूहे थे। ठीक है, तो ये जो चीनू था वो गांव में रहता था और चैंग जो था वो शहर में रहता था। तो जो चैंग था वो चीनू के घर आया था, क्या वो घूमने आया था। उसने इन्वाइट किया कि भाई आ जाओ घूमने के लिए, तो वो घूमने के लिए आ गया था। तो ये इसके घर घूमने के लिए आया, तो इसका जो जीवन था, इसका जो लाइफ स्टाइल था, बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल लिविंग था। बात समझा कि ना किसी से मार झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, एकदम सिंपली किसानों की तरह रहता था। तो चैंग बोल रहा था कि भाई चीनू, तुम ऐसे कैसे रह लेते हो, हमारे यहाँ तो यार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मोटर है, गाड़ियाँ हैं, लाइट्स हैं, हमारे यहाँ चलो तुम। तो ये भाई साहब गए थे इनके यहाँ घूमने शहर में, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी दुर्दशा होने वाली थी, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो बोले चलो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को, और जो मीनिंग इंपॉर्टेंट होगी मैं उन्हें लिखवाऊंगा भी, और आप भी उन्हें लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब कहानी मैं यहाँ से एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगा और पूरी कहानी को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, पेज नंबर 9 के स्टार्टिंग से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम का समय था। वेन बोथ द फ्रेंड्स रीच द टाउन, जब दोनों दोस्त शहर में पहुंच गए। शहर टाउन मतलब क्या होता है बच्चों, शहर सिटी। दे रीच द हाउस वेयर चैंग लिव्ड, वे वहां पहुंच गए जहां पर चैंग रहता था। द हाउस वाज ग्रैंड, इस ग्रैंड की मीनिंग मैंने बच्चे मैंने लिखवा देते, ग्रैंड मतलब शानदार। जो घर था उसका वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही भव्य था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ही सुइटेबल था, बहुत ही अच्छा रहने लायक था। इट हैड वेलवेट कर्टन्स, इसके पास वेलवेट बच्चे कपड़ा होता है, कर्टन मतलब पर्दे, उसके पास वेलवेट के पर्दे थे। एंड ब्यूटीफुल फर्नीचर, और उसके जो साजो सामान थे, जिस पर बैठने के लिए था, खाना खाने के लिए जो टेबल्स थे, वो कैसे बने थे बच्चों, वो फर्नीचर था, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ था। ऑन द टेबल वेयर द रिमेन्स ऑफ ए ग्रैंड फीस्ट, ठीक है, टेबल पर बच्चों खाने के जूठन बचे हुए थे, मतलब कि जैसे जो हम लोग खाना खाते हैं तो प्लेट में कुछ ना कुछ जूठन बच जाता, उसी को रिमेन्स बोलते हैं, किसी भी चीज़ का रिमेन्स मतलब बचा हुआ भाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैंग वाज द होस्ट, चैंग अब मेजबान था, होस्ट का मतलब मेजबान, HOST, होस्ट मतलब बच्चों मेजबान। देखो बच्चे, एक होता है मेहमान, एक होता है मेजबान, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, मेहमान का मतलब होता है गेस्ट, GUEST, और मेजबान का मतलब होता है होस्ट, ठीक है। बच्चों देखो, मान लो अमित है और रजत है, अमित गया रजत के घर, तो अमित क्या बनेगा, मेहमान बनेगा, और रजत क्या बनेगा, मेजबान बनेगा। बात समझ में आ गई। आप जाएंगे तो आप मेहमान हो जाएंगे किसी के घर, अगर आपके घर कोई आ गया तो आप मेजबान बन जाएंगे, बात समझ में आ गई। और अगर रजत जो है अमित के घर आ गया तो रजत बन जाएगा मेहमान और अमित बन जाएगा मेजबान, होस्ट। बात समझ में आ गई, मेजबान समझ लेना। मतलब कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके नानी जी आपके घर पर आ गए, तो नानी जी आपकी गेस्ट हुई, बात समझ में आ गए। अगर आपकी मम्मी आपके कहीं और लिसन में जा रही है, तो आपकी मम्मी गेस्ट हो जाएंगे, बात समझ गए। मतलब जो अपना घर छोड़ के जाता है वो गेस्ट बन जाता है, बात समझ आ गई, ये बात ध्यान रखना। तो ये था मेजबान और होस्ट का कंडीशन, ठीक है, समझ के रखना इसको, जब बड़े हो जाओगे तो काम आएगा। जब आप कहीं पर गेस्ट बन के जाओगे तो पता होना चाहिए कि कौन गेस्ट है कौन होस्ट है, ठीक है। चलो, लिखा था सो ही रैन बैक एंड फोर्थ, इसलिए वह आगे पीछे दौड़ रहा था। भाई अगर आपके घर पर कोई मेहमान आएंगे तो आप भी तो काम करने के लिए दौड़ोगे, तो जो चैंग था वो दौड़ रहा था आगे पीछे बिल्कुल भी। ब्रिंगिंग डेंटी डिशेज, मतलब भड़कीले खाने, मतलब स्वादिष्ट भोजन लाने के लिए आगे पीछे दौड़ रहा था। फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए सोचा था कितना हम इसके लिए मेहनत कर दें कि ये कभी ज़िंदगी में भूल ना पाए कि कभी आया था, बात समझ आ गई। द फूड वॉज टेस्टियर देन एनी थिंग चीनू हैड एवर ईटन, जो भोजन था बच्चों वो इतना टेस्टी था कि वैसा खाना चीनू ने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था।
चीनू ने आज तक जो कुछ भी खाया था उन सबसे बेटर जो था वो चेंग के यहाँ पे भोजन था। ठीक है, ही वॉज श्योर ही वुड इन्जॉय हिज स्टे विथ हिज फ्रेंड चेंग। और चीनू को ये लग रहा था कि भैया वह घूमने आया है तो उसे वहाँ मज़ा ज़रूर आएगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा अपने दोस्त के साथ रुक करके। ठीक है, विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर, ठीक है, चीनू गॉट यूज्ड टू न्यू लाइफस्टाइल। चीनू जो था कुछ दिनों के भीतर चीनू जो था उसको नए लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई, उसे नए तरीके से रहने की आदत पड़ गई। भाई पहले वो गांव का था, गांव का छोरा था, अब वो शहर में पहुंच गया तो भाई लाइफस्टाइल तो चेंज हो ही जाएगी। गांव के लोग भाई प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, यहाँ पर लोग गाड़ियाँ मोटर टीवी मोबाइल के पीछे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वो जो चीनू था वो भी अपने लाइफस्टाइल से निकल गया गांव वाले से, अब वो शहरातू हो गया था, शहर का आदमी हो गया था। तो लाइफस्टाइल का मतलब लिखेंगे लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब हो गया जीवन शैली, हिंदी में जीवन शैली, जीवन जीने की शैली को जीवन शैली बोलते हैं, लाइफस्टाइल बोलते हैं, किस तरीके से आप जीते वही आपकी लाइफस्टाइल है। बात समझ में आ गई। ही वॉज हैप्पी विथ लाइफ इन द टाउन, वह शहर के जीवन से खुश था, वह अपने गांव का जीवन छोड़ के शहर के जीवन में बहुत खुश था। ही वुड ऑफन से टू चेंग, वह हमेशा चेंग से कहा करता था, वह अक्सर चेंग से कहता था आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, आई वंडर मतलब आश्चर्यचकित होना, हाउ आई हैड बीन सेटिस्फाइड, कैसे मैं संतुष्ट था विथ माई सिंपल लाइफ इन द विलेज, अपने साधारण जीवन शैली से। कह रहा है कि भैया यहाँ पर तो इतनी चमक धमक वाली ज़िंदगी है, अब पता नहीं कैसे था कि हमको अपने गांव में अच्छा लग रहा था, यहाँ पर तो भाई बात ही कुछ और है, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ अपने ऊपर। तो यहाँ पर जो मीनिंग है बच्चों लिख लेंगे वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित। चकित और क्या था, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, विथ माई सिंपल लाइफ इन द लिटरेचर, बच्चे हो गया। वन डे बोथ द फ्रेंड्स वेयर ईटिंग द लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम द बिग टेबल इन द हाउस, एक दिन दोनों दोस्त खा रहे थे, क्या खा रहे थे, लेफ्ट ओवर्स, छूटे हुए भोजन को खा रहे थे, फ्रॉम द बिग टेबल, बड़े टेबल से, इन द हाउस, घर में। एक दिन क्या हुआ, दोनों आराम से टेबल पर बैठ करके जो जूठन था, जो खाना छोड़ा हुआ था, उसको बैठ कर आराम से मजे से लोग खा रहे थे। सडनली अचानक द डोर ओपन, अचानक दरवाज़ा खुलता है, अचानक दरवाजा क्या हो जाता है, खुलता है। ए ग्रुप ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन इंटर द रूम, एक ग्रुप ऑफ मतलब कि झुंड आया, किसका, औरतों का और आदमियों का। लेडीज एंड जेंटलमैन का मतलब होगा देवियों और सज्जनों, मतलब कि औरतों का और पुरुषों का। इंटर द रूम, एक झुंड उनके घर में पहुंच जाता है। ठीक है, द टू माइस जंप्ड ऑफ द टेबल इन ग्रेट फ्राइट, द टू माइस, दोनों छोटे चूहे जंप्ड ऑफ, कूद गए ऑफ द टेबल, टेबल से नीचे कूद गए, इन ग्रेट फ्राइट मतलब कि बड़े भयंकर डर से, फ्राइट मतलब लिख लेना भर, डर, एफ आर आई, फ्राइट मतलब इतना डर गए कि वो दोनों कूद गए, वो दोनों डर कर एकदम से कूद गए। बात समझ में आ गई, वो दोनों डर करके एकदम से कूद गए। दे हिड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को छुपा लिया, इन द डार्क कॉर्नर, अंधेरे कोने में, उन्होंने खुद को अंधेरे कोने में छुपा लिया। हिड मतलब बच्चों छुपाना, हिड मतलब छुपाना, हाइड होता बच्चों, सॉरी, हाइड मतलब होता छुपाना, हाइड मतलब छुपाना, हिड बच्चों सेकेंड फॉर्म, जब बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे। आफ्टर द पीपल ऑफ द हाउस वेंट टू स्लीप, जब घर के लोग सोने के लिए चले गए, द टू फ्रेंड्स क्रेप्ट आउट, क्रेप्ट आउट मतलब रेंगते हुए बाहर आना, क्रेप्ट आउट, क्रीप आउट, CREEP, क्रीप आउट मतलब रेंगते हुए बाहर आना, रेंगते हुए बाहर आना, दोनों जो दोस्त थे वो रेंगते हुए बाहर आए, कहीं भाई छुप गए थे ना, तो मतलब रेंगते हुए बाहर आए। अचानक द पेट ऑफ द हाउस, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक लिख लेना इसको भी, SUDDLY, सडनली का मतलब होता है बच्चों अचानक, अचानक
एक मिनट, अचानक क्या हुआ? द पेट, पेट मतलब पालतू, पालतू कुत्ता। ऑफ द हाउस विच वॉज ए डॉग, पेट मतलब बच्चों का पालतू। अब पालतू कुत्ता भी हो सकता है, पालतू गाय भी हो सकती है, पालतू बिल्ली भी हो सकता है, पालतू कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेट ऑफ द हाउस घर का पालतू जो कि एक डॉग था, रैन फास्ट फ्रॉम द होम। जैसे ही उन लोग रेंगते हुए बाहर निकले, तुरंत ही पेट मतलब पालतू जो था, कौन था वो? कुत्ता था। वो दौड़ के उन लोग के ऊपर झपट पड़ा। तो लिख लेंगे पेट, पेट मतलब होता पालतू, पी ई टी, पेट, पेट का मतलब होता पालतू, पालतू, ठीक है, जो कि क्या था, एक कुत्ता था। उन लोग सर दौड़ पड़ा। अगेन दे हैड टू गो बैक इन द कॉर्नर, दोबारा उन लोग जाके कोने में छुप गए, इन ग्रेटर फियर देन बिफोर, पहले से ज़्यादा डर से। भाई जब लोग घुसे थे तो खुद ही डर के मारे भाग गए थे, लेकिन जब लोग निकले तो कुत्ता दौड़ा लिया, फिर डर के मारे भागने लगे और उससे ज़्यादा डर लग गया। दे वेयर टू स्केयर्ड, वे बहुत ज़्यादा डर गए थे, टू गो नियर टेबल अगेन, कि वो टेबल के नज़दीक दोबारा नहीं जा पाए, इतना डर गए कि दोबारा टेबल के पास जाने की हिम्मत नहीं थी उनके पास। बोथ ऑफ देम वेंट हंग्री टू बेड दैट नाइट, वो दोनों उस रात बिना खाए पिए भूखे पेट सोने चले गए, ठीक है। चीनू थॉट ऑफ हिज सिंपल लाइफ, अब चीनू को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी। उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो पुराना ज़िंदगी मस्त था, फालतू में इन सब चीज़ों में हम पड़ गए, ठीक है। एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ हिज प्लेस, और उसको अपने घर के जो ईटिंग हैबिट था उस पर उसको याद आने लगा, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू होम, इसलिए उसने निश्चय किया कि भैया अब तो हम घर चलेंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, किस दिन मर जाएंगे पता नहीं है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद, वेन एवरी वन इन हाउस वॉज एस्लीप, जब कुछ देर के बाद, ठीक है, जब सब लोग एकदम नींद में सो गए, द टू फ्रेंड्स केम आउट, दोनों दोस्त बाहर आए। चीनू सेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड, चीनू ने कहा भैया अब हमारे बस का नहीं है, अब आइए भैया नमस्ते, हम निकल रहे हैं अपने गाँव की तरफ, ठीक है। बिफोर लिविंग, घर छोड़ने से पहले, ही सेड टू चैंग, उसने चैंग से कहा, इफ दिस इज द फाइन वे ऑफ लिविंग इन द सिटी, यदि यही जीने का तरीका है सिटी में, विच इज फुल ऑफ टेरर, टेरर मतलब आतंकवाद होता है बच्चों, टेरर मतलब होता है आतंकवाद, मतलब कि यहाँ पे डर, यहाँ पे मतलब डर, जो डर से भरा हुआ है, वुड बेस्ट प्रिफर टू हैव ओनली माई सिंपल बार्ले ब्रेड इन माई विलेज, कह रहा है कि भैया अगर अगर शहर में रह के इतना खतरे से भरा जीवन जीना है तो उससे बढ़िया है कि हम अपने गांव में रहें और ब्रेड और जौ खा के रह लें, बात समझ में आ गई। इन माई विलेज वेयर देयर इज पीस एंड सिक्योरिटी, जहां पर शांति है और सुरक्षा है, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, लिख लेंगे पी ई ए सी ई, पीस मतलब बच्चों शांति और सिक्योरिटी, कह रहा है कि भैया अगर यहाँ पे अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए इतना कष्ट झेलना पड़ता है, इतना डर है, तो उससे बढ़िया तो हमारी गांव की ज़िंदगी है, कम से कम वहाँ पे सुकून का भोजन सिंपल, और क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा तो है, वहाँ पे मारने के लिए बार बार दौड़ता तो नहीं है, यहाँ पर यहाँ भागो वहाँ भागो वहाँ भागो, कभी कुत्ता आ रहा है, कभी आदमी आ रहा है, हमारे बस का नहीं भैया रहना यहाँ पे। टू योर डेंटी डिसेज विथ ए स्वॉर्ड ऑलवेज हैंगिंग ओवर योर हेड, कह रहा है कि हमारे गांव का जो सिंपल भोजन है वो बहुत अच्छा है, वहां की शांति और सिक्योरिटी जो है, यहां के स्वादिष्ट भोजनों से, जिस पर जिसके ऊपर जिसको लेने के लिए आपके सर पर हमेशा आपके सर पर हमेशा तलवार लटकती है, लिख लेंगे SWORD स्वॉर्ड, तलवार, हैंग मतलब लटकना, लटकना, कह रहे भैया आपके सर पर हमेशा तलवार लटक रही है ऐसे खाने के लिए, तो उससे अच्छा तो हमारा गांव का जीवन है भाई। यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका स्वागत है जब भी आपका मन करे, टू माई विलेज हमारे घर पर, जब भी आपका मन पड़े भैया आप हमारे घर पे आइए, मेरे दोस्त मेरे घर पे जब मन करे तब आप आइए। चीनू वंस अगेन थैंक टू चैंग, चीनू ने धन्यवाद किया किसको, चैंग को, एंड केम बैक टू हिज स्वीट विलेज होम, और अपने घर पर वापस आ गया, सब कुछ शहर का छोड़ करके वापस आ गया, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इसे नोट करो।
चलो अब बताओ बच्चों, हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है? इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है? इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है, ये लेसन हमको मिल रहा है कि भैया आपके पास जो कुछ भी है लाइफ में, ठीक है, आप उसमें संतुष्ट रहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। कितने सारे बच्चे इस समय मोबाइल के नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे तो बेटर हुए आप, बात समझो। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास तो मोबाइल में कम से कम पढ़ तो सकता हूँ। तो ये बात समझो बच्चे कि जो चीज़ आपके पास है उससे आप संतुष्ट रहिए, दूसरों के पीछे मत भागिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, दूसरों की चीज़ें देख के लालच मत करिए, बात समझ आ गई। अपने आप में संतुष्ट रहो, जो आपके मम्मी पापा आपको देते हैं, जो खिलाते हैं, जो पिलाते हैं, जो पहनाते हैं, जो देते हैं, सब आपका है, उसी में संतुष्ट रहिए। दूसरों की चीज़ें देख करके अपना सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है, दूसरे के चीज़ों को देख के लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसमें आप संतुष्ट रहिए, बात समझ आ गई। अब किसी के पास कार है, आपके पास नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कार क्यों नहीं है, आप दुखी हो जाइए, तो बच्चे ये गलत बात है। आपके मन में इससे हीनता की भावना आएगी, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। ठीक है, तो बच्चे आपने इसे नोट कर लिया, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और हम अब एक्सरसाइज पर आएंगे। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ बच्चों इसे। चलो आ जाओ, चलो बच्चों, लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, लिखा हुआ है देखो बच्चों पेज नंबर 10 पर, ठीक है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है रीड द पैराग्राफ केयरफुली, कह रहा है पैराग्राफ को केयरफुली पढ़िए और जो नीचे आंसर लिखे हैं क्वेश्चन में उनको देना है। ठीक है, लिखा हुआ वन डे बोथ द फ्रेंड्स वेयर ईटिंग द लेफ्ट ओवर फ्रॉम द बिग टेबल इन द हाउस, एक दिन दोनों दोस्त बचे हुए खाने को बड़े टेबल पर घर में खा रहे थे। सडनली द डोर ओपेंड, अचानक से दरवाजा खुल जाता है। ए ग्रुप ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन इंटर्ड द रूम, औरतों और आदमियों का एक समूह घर में आया। द माइस जंप्ड ऑफ द टेबल इन द ग्रेट फ्राइट, द माइस मतलब चूहे बड़े डर में टेबल से कूद गए। दे हिड देमसेल्फ, उन्होंने खुद को छुपा लिया। इन द डार्क कॉर्नर, अंधेरे कोने में। आफ्टर द पीपल ऑफ द हाउस वेंट टू स्लीप, जब लोग सोने के लिए चले गए, द टू फ्रेंड्स क्रेप्ट आउट, दोनों दोस्त बाहर आ गए। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना बच्चे, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, फाइंड आउट फाइव नाउन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। बच्चों नाउन क्या होता है पहले तो ये बताओ। बच्चों नाउन होता है नेम, कोई भी पांच नाउन, पांच नेम, फाइव नेम्स जो कि नाउन हो, आपको उन्हें वहां से फाइंड आउट करना है और लिखना है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां पे क्वेश्चन, चलो चलो लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड आउट फाइव नाउन्स From the above paragraph, from above paragraph, ऊपर के paragraph से noun को छांटना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। पहला तो लिखो बच्चों friends, first लिखो friends, friends क्या है बच्चों, एक common noun है। second लिख लो table, table भी बच्चों क्या है, common noun है। third लिखो रूम भी बच्चों क्या है, चलो अच्छा यहाँ पर रूम नाउन नहीं है फिलहाल। डोर लिख लो, डोर क्या बच्चों, एक नाउन है, कॉमन नाउन ये भी है। चीनू क्या है, चीनू ये भी बच्चों प्रॉपर नाउन है, चीनू भी क्या है प्रॉपर नाउन। कहीं नाम आया बच्चों इनका, कहीं नाम नहीं आया बच्चों, इसको मत लिखो, नाम कहीं नहीं आया इनका। अच्छा पीपल लिख लो, पी ई ओ पी एल ई, पीपल मतलब क्या होता है, लोग, ये भी बच्चों एक कॉमन नाउन है। फ्राइट, एफ आर आई, फ्राइट मतलब होता है जो डर। ठीक है, ये भी बच्चों एक नाउन ही है, इसका भी आप लिख लेंगे।
चलो ये हो गया, डिलीट कर दिया बच्चों। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा इसे। अब आ जाओ मेरे बच्चों पेज नंबर 10 पर ही क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ देखो, लिखा टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी देखना, टिक करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को बच्चों ट्रिक टिक कर देना है, देखेंगे। जैसे देखना लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है लिव्ड इन ए विलेज चैंग चीनू पेट। थ्री ऑप्शन है बच्चों। फर्स्ट लिखा हुआ लिव्ड इन द विलेज। आप क्वेश्चन लिख दो बच्चों, मैं चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ, छोटा छोटा है क्वेश्चन, चलो लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों लिव्ड इन ए विलेज, LIVED लिव्ड इन अ विलेज। ऑप्शन है बच्चों ए बी सी। ऑप्शन है चैंग चैंग चीनू चीनू पेट पेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों लिख रहा हूँ लिव्ड इन द टाउन, लिव्ड इन द टाउन, शहर में रहता था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्या है पेट चीनू चैंग, पेट चीनू चैंग। क्वेश्चन नंबर थ्री लिख रहे हैं बच्चों, चैंग एक्सेप्टेड द चैंग AWCEPT एक्सेप्टेड द डैश। फर्स्ट बच्चों ए चैलेंज CHALLENGE चैलेंज। बी है इनविटेशन इनविटेशन। सी है गिफ्ट्स गिफ्ट्स, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और है, कहीं एडजस्ट कर दूं आपको दिख रहा है नीचे तक, बिल्कुल लिख देता हूं उसको भी ताकि पूरा हो जाए। हाँ चलो लिख देते हैं, किस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे अभी लिखते लिखने के बाद। फोर्थ है बच्चों द माइस हिड देमसेल्व्स themselves इन अ, कहाँ पे छुपा लिया बच्चों। फर्स्ट है होल, ए लिखा है होल, बी लिखा हुआ है अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, आ लिखा हुआ डार्क कॉर्नर। ऑप्शन नंबर सी है डार्क कॉर्नर, डार्क कॉर्नर, ठीक है। चलो देखो मैं अब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भी, आपको समझ में आ जाएगा। ये अब देखो, अब दिख रहा होगा पूरा 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 बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। चलो थोड़ा बच्चों डार्क दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेते हैं लाइटिंग को। अब दिख रहा होगा पूरा पूरा, ठीक है आ जाओ। लिखा हुआ है टिक द करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है बच्चों, ठीक है यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है लिव्ड इन ए विलेज, गाँव में रहता था। यहाँ पर आपको वो नाम फिल करना है जो गाँव में रहता था, वो चैंग था या चीनू था या फिर कोई पेट था। तो बच्चों को पता है चैंग जो था वो टाउन में रहता था, शहर में रहता था, और वो चीनू को शहर ले गया था, और चीनू कहाँ रहता था गांव में रहता था, विलेज में रहता था। और पेट जो था बच्चों तो शहर में ही रहता था, पेट जो था वो शहर में ही रहता था। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या फील करेंगे, यहाँ पर आप निशान लगाएंगे चीनू पर। चीनू जो था वो बच्चों विलेज में रहता था, चीनू कहाँ रहता था विलेज में रहा करता था। फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आ जाओ, लिखा हुआ लिव्ड इन द टाउन, शहर में रहता था। लिव्ड इन द टाउन, शहर में रहता था, कौन शहर में रहता था। तो बच्चों आपको पता है पेट तो शहर में रहता था लेकिन पेट के बारे में बात हो नहीं रही है, चीनू गांव में रहता था, चैंग जो था वो शहर में रहता था, लिख लेंगे चैंग चैंग। चैंग कहाँ रहता था बच्चों, टाउन में रहता था, शहर में रहता था। चैंग एक्सेप्टेड द, चैंग ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, इनविटेशन। क्या एक्सेप्ट कर लिया था, इनविटेशन, चैलेंज तो दिया ही नहीं गया था, इनविटेशन। चैंग ने इनविटेशन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आप इस पर निशान लगा लेंगे, इसमें चैंग पे लगा लेंगे, ठीक है। द माइस हिड देमसेल्व्स इन द होल, होल में छुपा लिया, नहीं होल में नहीं छुपाया था,
अंडर द टेबल नहीं, डार्क कॉर्नर में छुपाया था, लिख लेंगे डार्क कॉर्नर, डार्क कॉर्नर। चूहों ने खुद को डार्क कॉर्नर में छुपा लिया था, वहाँ पे अपने आप को रख लिया था ताकि कोई मुझे देखने ना पाए। बात समझ में आ गई? तो बच्चों पहले नोट कर लीजिए ढंग से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा, हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लेंगे और भी हमारा कोई भी टॉपिक रिमेनिंग नहीं रह जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बच्चों, और कहीं भी बाहर मत जाइए क्योंकि बाहर कोरोना फैला हुआ है जो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है बच्चों, इसका इलाज नहीं है, इसलिए आपका स्कूल ओपन नहीं हो पा रहा है। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर बिना टेंशन के बेझिझक हमारे पास कॉल करिए, मैसेज करिए और हमसे उसका सलूशन ले लीजिए। बात समझ आ गई? क्योंकि बच्चों इससे अच्छा पढ़ने का मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो किसी चीज़ को एक ही बार देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका सुविधा यह है कि अगर मान लीजिए आप एक बार नहीं समझ पाए तो दोबारा इस चीज़ को देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, चार बार, पाँच बार, छः बार देखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कितना भी बार आप वीडियो को देख सकते हैं, ये आपके पास प्लस पॉइंट है, ये आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने घर पर रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए गुड बाय।